नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आपका बहुत स्वागत है अलार्म न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रशासन को नींद से जगाती हुई, जिम्मेदारों से सवाल करती हुई, क्यों विदिशा रायसेन की लाइफलाइन बेतवा नदी को अपने अस्तित्व की जंग लड़ना पड़ रहा है? क्यों ये नदी खेत की तरह नजर आ रही है? क्यों राम की बेतवा मैली हो रही है? किसने बेतवा को बदहाल किया? देखिए अलार्म में अलर्ट करती ये खास खबर, आंसू बहा रही एमपी की गंगा। मैं बेतवा हूं, मेरा दर्द न जाने कोई। निर्मल चंचल कोमल नहीं रहा आंचल। माँ बेतवती भारतवर्ष की द्वादश नदियों में जानी जाती है। पद्म पुराण में इसको कलयुग की गंगा कहा गया है। एक समय था कि इसमें स्नान करने से लोगों को कुष्ठ रोग और चर्म रोग तक ठीक हो जाते थे, लेकिन आज बेतवा की जो दुर्दशा है वो ऐसी कभी कालांतर में नहीं हुई। आज पूरी नदी में जलकुंभी है और बेतवा का पानी ऐसा हो गया कि उसमें हाथ डालने से भी चर्म रोग होने की संभावना बनती है। एमपी की गंगा में गंदगी अपार, अस्तित्व पर हमला बार बार। पालिका को जो चोर नाले के और अन्य पांच नाले सीधे मिल रहे हैं, इसको ट्रीटमेंट से रोकना चाहिए। भोपाल में पात्रा नाला का भी गंदा पानी इस बेतवा नदी में मिलता है, ये भी रोकना चाहिए। मंडी द्वीप का औद्योगिक प्रदूषण जो बेतवा में मिलता है, ये भी रोकना चाहिए। राजनीति का अखाड़ा, वादों से किया किनारा। 20 साल से मैं देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड और इनकी पूरा साथी सफाई के लिए डेली आते हैं, और जब जब कोई बड़ा त्यौहार रहता है, दुर्गा उत्सव है कि पूर्णिमा रहती है, तो यहाँ पे लोग उतना ही कचरा करके चले जाते हैं और उसका कोई भी मतलब, इन्होंने 20 साल से कर रहे हैं, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो मुझे हमेशा लगता है कि व्यर्थ जाता है इनका मेहनत। इतनी मेहनत करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो उसको जन जन को जागरूक होना जरूरी है। बेतवा नदी पर किसी का नजर नहीं जा रही, प्रशासन इसके लिए बिल्कुल मौन है। करहा रही कलयुग की गंगा, पानी गंदा, कैसे हो मन चंगा। रायसेन से लेकर विदिशा जिला की सीमा तक ये बहुत संकुचित भी हो गई है, उसका जल प्रवाह भी रुक गया है। मुझमे मिलते नाले, कौन मुझे संभाले। देख सकते किस तरीके से ये नाला है, जिसको चूरना नाला भी यहाँ पर कहा जाता है, और ये पूरे विदिशा शहर का या विदिशा के अधिकतम इलाकों का जो गटर का पानी है, सीवेज का पानी है, वो इधर से नाले से जाते हुए यहाँ पर, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर बेतवा नदी की तरफ जाके बेतवा में मिलता है। दिग्गजों की गढ़ में बेतवा किया, कौन सुने मेरी करहा। आस्था की डुबकी पर न जाए भारी, बदहाल बेतवा दे रही बीमारी। अगर गंदा पानी से अगर कोई व्यक्ति आचमन भी करता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां, जैसे कि उल्टी दस्त, फेफड़े की बीमारी, इवन लिवर की बीमारी, इवन और लंबे समय तक अगर उसके संपर्क में रहेंगे बैक्टीरिया वायरस शरीर में, तो कहीं ना कहीं लिवर कैंसर तक जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। फाइल के फंदे में फंसी जान, कागज के टुकड़ों में ढूंढे निशान, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। राम की बेतवा कब मिलेगी मुक्ति, जिम्मेदारों को कब सूझेगी युक्ति। एमपी की गंगा के आंसू। तो विदिशा रायसेन जिले की लाइफलाइन बेतवा नदी, लेकिन कई साल से बेतवा खतरे में, आस्था का केंद्र, लेकिन आस्था के नाम पर भी खिलवाड़ हो रहा है। जिस नदी से कोढ़ मिट जाता था, वो नदी क्यों बीमारी दे रही है? दिग्गजों के गढ़ में बेतवा की आह, सुनने वाला कोई क्यों नहीं। क्यों घुट रही है जीवन दायिनी की सांसें, आखिर क्यों एमपी की गंगा बहा रही है आंसू, सवाल है। विदिशा रायसेन के साथ साथ
मध्य प्रदेश की लाइफलाइन बेतवा। लेकिन बेतवा आपको नजर नहीं आ रही होगी, बेतवा नदी का दम घुट रहा है, गंदगी के अंबार में सिमट रही है, संकुचित हो रही है बेतवा। अब जरा इधर नजर दौड़ाइए, खेत पर नजर आ रही हरियाली की चादर, यही बेतवा है जनाब जो नजर नहीं आ रही। जलकुंभी के जाल में जकड़ गई है। आखिर बेतवा की इस बदहाल सूरत का कसूरवार कौन? कौन है कलयुग की गंगा का दोषी? विदिशा की तो पावन धरी है, बेतवा के नाम से भी जाना जाता है विदिशा को, लेकिन बेतवा नदी के पास, बेतवा नदी पर किसी का नजर नहीं जा रही। प्रशासन इसके लिए बिल्कुल मौन है। और बेतवा की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है, ये कोई कह देगा नदी, ये पेड़ पौधे हो गए हैं इसमें। कि रामघाट के पास जो ऐतिहासिक रामघाट है वहाँ कटाव बढ़ रहा है, यदि उस कटाव को नहीं रोका गया तो ये नदी अपना रास्ता शहर की ओर कर देगी, जिससे भारी नुकसान से, जनधन के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। पुराणों में लिखा है देश की द्वादश नदियों में बेतवा नदी शामिल है, राम की बेतवा। ये घाट चरण तीर्थ धाम कहलाता है, जहां मौजूद है राम और लक्ष्मण की पादुका। मान्यता क्या है, आस्था का इतना बड़ा केंद्र और जीवन देने वाली नदी की ऐसी दुर्दशा क्यों और किसने दिए बेतवा को यह जख्म? आज पूरी नदी में जलकुंभी है और बेतवा का पानी ऐसा हो गया कि उसमें हाथ डालने से भी चर्म रोग होने की संभावना बनती है। जल में कीड़े पड़ चुके हैं और अगर इसमें कोई स्नान कर लेगा तो निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा। देखने के लिए आप देख लो कि यहाँ पे गंदगी ज्यादा है, साफ सफाई नहीं है, शुद्धता नहीं है, और नेता लोग बहुत से भाषण देते हैं दोनों पार्टी के, लेकिन करते कुछ नहीं है। सोचिए जरा हालत कितनी गंभीर है। रायसेन के झिरी बहेड़ा से नदी का उद्गम है, लेकिन थोड़ी ही दूर बहने के बाद बेतवा नदी की सूरत ही बदल जाती है। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषण, भोपाल का पात्रा नाला, विदिशा का चोर नाला और पांच नाले जब बेतवा में मिल जाते हैं तो राम की ये बेतवा मैली हो जाती है। आस्था के नाम पर हो रहा खिलवाड़ भी कम जिम्मेदार नहीं। मैं शासन को हर स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नगर पालिका को जो चोर नाले के और अन्य पांच नाले सीधे मिल रहे हैं, इसको ट्रीटमेंट से रोकना चाहिए। भोपाल में पात्रा नाला का भी गंदा पानी इस बेतवा नदी में मिलता है, ये भी रोकना चाहिए। मंडीदीप का औद्योगिक प्रदूषण जो बेतवा में मिलता है, ये भी रोकना चाहिए। ऐसे काई वहाँ जमी हुई है जैसे कोई घास का मैदान हो, लगता ही नहीं है कि ये नदी है या इसके नीचे पानी भी होगा। और ये जो काई जलकुंभी टाइप काई है, इसके बारे में तो कहा ही जाता है कि ये हमेशा वहीं पैदा होती है जहाँ बलमूत्र या प्रदूषण युक्त उसमें कोई चीज़ आकर मिले तो उसका उसी के आधार पर वहाँ पैदा होती है। पॉलिसी बनाना चाहिए कि नदियों में इस तरह के प्रदूषण ना हो, क्योंकि अगर गंदा पानी से अगर कोई व्यक्ति आचमन भी करता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि उल्टी दस्त, फेफड़े की बीमारी, इवन लिवर की बीमारी, इवन और लंबे समय तक अगर उसके संपर्क में रहेंगे बैक्टीरिया वायरस शरीर में तो कहीं ना कहीं लिवर कैंसर तक जैसी खतरनाक बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। ऐसी नहीं थी पहले बेतवा, हंसती मुस्कुराती, लेकिन नदी का स्वरूप ऐसा बिगाड़ा गया कि अब सिर्फ बचा है तो मटमैला बदबूदार पानी। आखिर कब बेतवा की सांसें लौटेंगी, कब बेतवा फिर अविरल खिलखिलाते हुए बहेगी? रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी की गंगा या कहें बुंदेलखंड की लाइफलाइन, लेकिन अब इसका पानी अगर पिएंगे तो आप, या इसके पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शायद कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में लग सकती हैं। कभी बेतवा बदहाली राजनीति का अखाड़ा बन जाती है, कभी प्रशासन सिर्फ कागज पर बेतवा के आंसू पोंछता है। आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वालों की तादाद भी कम नहीं। ना बेतवा कोई वोट बैंक है, ना ही कोई कचरा घर। आखिर इस बदहाली पर जिम्मेदारों की आंखें कब खुलेंगी? कब नींद से जागेगा प्रशासन? किसकी लापरवाही में बेतवा की सांसें घुट रही हैं? देखिए अलर्ट करती हमारी ये खास रिपोर्ट। रायसेन विदिशा से निकली बेतवा जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन बेतवा का अस्तित्व क्यों यहाँ पर खोता जा रहा है, इसको लेकर न्यूज 18 की टीम आज ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बेतवा की जो दुर्दशा है आज वो किसी से छुपी नहीं है। करीब 21 साल से बेतवा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सड़क से संसद तक बेतवा का दर्द तो पहुंचा, लेकिन इस मटमैले पानी की तरह जख्म हरा का हरा ही रहा। घाट किनारे लगा ये बोर्ड भी बेमाना ही लगता है।
क्योंकि नदी में गंदगी का अंबार लगा दिया गया। बेतवा नदी है, कचरा घर नहीं। जिम्मेदार प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देख लीजिए। क्या सिर्फ प्लानिंग की जाएगी? वाकई हैरानी होती है, फाइल के फंदे में क्यों फंसी है ये बेतवा? सुनिए जिम्मेदारों को। अभी भी सिर्फ प्लानिंग ही हो रही है। जैसा आप कह रहे हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है और आज ही हमने इस पर एक अपने अधिकारियों के साथ एक विस्तृत चर्चा की है। कैसे हम लोग विदिशा और जो जितने भी बड़े कस्बे हैं जिले के, उनकी क्लीनिंग और विशेषकर जो नदी नाले हैं उनकी साफ सफाई कैसे हम लोग सुनिश्चित करें। बेतवा कोई वोट बैंक नहीं, आस्था का केंद्र है, लाइफ लाइन है। बेतवा की बदहाली पर राजनीति भी खूब हुई, वादे किए गए, लेकिन ये सारे वादे पानी पानी हो गए। इसको एक मुहिम के रूप में हमें चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल एक नाले में तब्दील हो जाएगी ये बेतवा। इन नालों के पानी से, गंदगी के अंबार से सिसक रही है बेतवा। ये आह क्यों नहीं सुनाई देती? जिस नदी को पूजा जाता है वो क्यों अफसरों की लापरवाही का शिकार हो रही है? क्या सिर्फ कागज पर ही बेतवा को सांसें मिलेंगी? बेतवा का दम घुट रहा है। क्यों ये तस्वीरें, ये सच देखकर भी आंखें मूंदे हैं जिम्मेदार? अब तो नींद से जागिए। सिर्फ प्रशासन ही नहीं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो बेतवा नदी में आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। चोर नाले का ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर हो गया है और वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर चोर घाट का जो नाला है उसको बंद करने का काम बरसात के पहले किया जाएगा। यदि सरकार का ध्यान नहीं गया इसमें, जन आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से इस बेतवा के पुनरुत्थान और बेतवा की सफाई अभियान को राष्ट्रीय योजना में शामिल किया जाए। बेतवा नदी को, इसका फिर से हम लोग प्रयास करेंगे। मेरा विचार यह है कि हमको एक अच्छा एक कंसल्टेंट, अच्छे कोई जो काम करने वाले लोग हैं जो नदियों के संरक्षण के लिए काम करते हैं या शहरों की सफाई के लिए काम करते हैं, ऐसे किसी एक अच्छे कंसल्टेंट को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। बेतवा की हम लोग समय समय पर सफाई करते हैं, इसके लिए हम होमगार्ड की मदद भी लेते हैं, लेकिन जो नाले मिलने की समस्या बताई जा रही है, तो जो पेलिया नाला जो उधर मिलता है जाकर, उसके लिए योजना बन चुकी है और टेंडर भी शासन की स्वीकृति के लिए गया हुआ है। जैसे आता है तो उस नाले के पानी को ट्रीट करके और डाउन स्ट्रीम तरफ उसको जो है भेजा जाएगा। जिस विदिशा सीट ने ऐसे सांसद दिए जो केंद्र में मंत्री बने, बेतवा का पानी पीकर न जाने कितने दिग्गज बने, लेकिन बेतवा आज भी बदहाल है। बेतवा की हालत जस की तस है। आइए मिलकर एक अभियान चलाएं, बेतवा को बचाएं। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की गंगा यानी बेतवा नदी पर अगर वाकई सियासत ने सही तरीके से कदम उठाए होते तो शायद आज ये सूरत बेतवा नदी की नहीं होती। लाइफलाइन है ये एक बहुत बड़े हिस्से की मध्य प्रदेश की, लेकिन केवल सियासी रोटियां जरूर सेकी गईं, आज तक सूरत नहीं बदली। कई अगर हम कहें बड़े शहरों के जो बड़े बड़े नाले हैं वो आज भी बेतवा नदी में जाकर मिल रहे हैं बगैर ट्रीट पानी। जी हाँ, अगर कहें तो गंदा पानी या कहें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी बेतवा नदी में मिल रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रायसेन से दिनेश यादव जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ अतुल शाह जी जुड़ रहे हैं, समाज सेवी हैं विदिशा से। आप अतुल शाह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सबसे पहले दिनेश आपसे समझना चाहूंगा, अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है बेतवा नदी की, कहां कहां क्या क्या स्थिति है, रायसेन का भी बताइएगा, विदिशा की का भी हाल समझाइएगा दिनेश। बिल्कुल प्रसाद, मैं आपको बता दूं, हाल ही में सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान एक चलाया था जिसमें नदियों के संरक्षण संवर्धन की बात यहां पर कही गई थी। हमने देखा था तमाम दिग्गज जो है नदियों को साफ करने के लिए उतरे हुए थे, लेकिन विदिशा में भी यहां पर नेता है जो जनप्रतिनिधि वो और प्रशासन उतरा हुआ था, लेकिन देख सकते किस तरीके से आज भी जो बेतवा की स्थिति वही है जब हमने यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी, किस तरीके से यहां पर जलकुंभी पूरी तरह यहां पर दिखाई दे रही है, नदी कम खेत यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हमने कभी देखा नहीं है कि ये कलकल बहती है। हम 23 साल से बेतवा उत्थान समिति की ओर से यहां काम कर रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से ही प्रयास कर रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन का हमें आज तक कोई सहयोग नहीं मिला है। और नगर पालिका ने भी अभी जो आपने जल संवर्धन योजना की बात करी जो अभी मुख्यमंत्री जी ने चलाया था, तो थोड़ा बहुत काम करके चलेगा। वो जो हम प्रतिदिन जो कचरा निकालते हैं वो घाटों पर आप देख रहे हैं, पर उनको उठाने भी कोई नहीं आया है।
बिल्कुल, यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, जिस तरीके से बात किया इस नदी का अलग ही एक महत्व है, बताया जाता है रामायण के काल से नदी का जुड़ा, क्या कहना है? भारतवर्ष की जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, बेत्रवती, छिप्रा, चरमणवती, वेदिका, उसमें इस नदी का नाम प्रमुखता के साथ है। कलयुग की गंगा इसको कहा जाता है और मैंने इसको कलकल बहते हुए भी देखा है। इसकी खरेर की आवाज जो है रामलीला चौराहे तक सुनाई देती थी। दिनेश लौटूंगा मैं आपके पास, शुद्ध जल माना जाता था इसमें नहाने से। ठीक है, और भी लोगों से बात करेगा मैं, लौटूंगा। अतुल शाह जी हमारे साथ लगातार बने हुए समाज सेवी। अतुल शाह जी, ठीक है लाइफ लाइन है लेकिन इसकी धार्मिक आस्था भी है बेतवा नदी की, आपके नजरिए से ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं, मुख्य कारण हैं जिसके चलते आज बेतवा की यह हालत हो गई? अतुल जी, मैं सर्वप्रथम न्यूज 18 का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि क्षेत्र की एक ज्वलंत समस्या की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया। जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका उद्गम रायसेन जिले के एक छोटे से ग्राम जिरी से हुआ, उद्गम के साथ ही इसका प्रदूषण प्रारंभ हो गया। मंडी द्वीप का औद्योगिक प्रदूषण पूरा इस नदी में मिल रहा है। इसके पश्चात भोपाल शहर का सीवेज पानी बिना ट्रीटमेंट के पात्रा नाले के माध्यम से इस माँ बेतवा में मिलता है और तत्पश्चात ये विदिशा के पूरा गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के चोर नाले व अन्य पांच नालों के माध्यम से नदी में मिल रहा है। बिना ट्रीटमेंट के कोई भी पानी नदी में मिलना एक क्राइम है, इसको मैं समझता हूँ। आज आपका ये समाचार हो सकता है माइलस्टोन बने। हमारी बेतवा उत्थान समिति विगत 20 वर्षों से सड़क से लेकर संसद तक इसकी आवाज उठा रही है लेकिन अभी तक इस पर सकारात्मक कार्य नहीं हुए हैं। इस पे एक समग्र विकास की योजना बनना चाहिए, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती नदी पर बनाई या अखिलेश यादव ने गोमती नदी पर बनाई, इस प्रकार की योजना यदि इस माँ बेतवा पर बनेगी तभी इसका कोई जीर्णोद्धार हो सकता है, नहीं तो कलयुग की गंगा। अतुल जी, अतुल जी बिल्कुल ठीक बात है, नीचे से लेकर ऊपर तक का जो सिस्टम है वो जिम्मेदार नजर आता है, लेकिन क्या आम लोगों को भी और ज्यादा जागरूक होने की दरकार नहीं है? लोग जाते हैं, पूजा करते हैं और पूजा सामग्री नदी में डाल देते हैं, उनके नजरिए से वो एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी गंदी होती है नदी। अतुल जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इस नदी को एक कचरा घर बना दिया है, कोई भी चीज निर्माल्य सामग्री से लेकर के यदि बही खाते नकली दवाइयां, हमने देखा कि शादी के कार्ड वर्ष भर के इकट्ठे हुए नदी में डाल दिए, जो मूर्तियां और मिलती है वो भी नदी में डाली जाती हैं। तो हम लोग एक विसर्जन कुंड की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, एनजीटी के माध्यम से भी मांग की गई लेकिन अभी तक इस मांग में हम सफल नहीं हुए हैं। हो सकता है आपका चैनल इसकी समस्या को समाधान में कुछ सहायक हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बीएस चौहान साहब, रिटायर्ड सीएमओ हैं। बीएस चौहान साहब, थोड़ा सा मैं ये जरूर समझाइएगा, क्योंकि इतना पॉल्यूटेड हो चुकी है बेतवा नदी, अब क्या वाकई इसका पानी इस्तेमाल करने लायक है? बीएस चौहान साहब, सुन पा रहे हैं आप? चले हम आवाज, जी चौहान साहब आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। दिनेश हमारे साथ बने हुए। दिनेश, लोगों की नाराजगी भी है लेकिन सवाल वही है कि आखिर लोग खुद जागरूक क्यों नहीं होते हैं? सिस्टम पर दबाव बनाना भी अगर आम जनता चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। दिनेश बात करिए अगर लोग हों। बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस मामले में जनप्रतिनिधियों की तभी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बेतवा जो पहले कलकल कहते हैं बहती थी और सीधा इसका मुंह लगाकर लोग पानी पी लिया करते थे। लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से इसमें कोढ़ जैसी समस्याएं पानी पीने से दूर हो जाती हैं, वहीं डॉक्टर का इस बार कहना है कि ऐसा जो गंदा पानी जो मिल रहा है, ऐसे पानी पीने से लोगों को कैंसर की बीमारी हो सकती है, तो इसका जिम्मेदार सभी हैं। आप पंडित जी क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं साहब, पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे अच्छे नेताओं को चुन के पहुँचाया, वो नेता चुन के पहुँचाएं, इसके बाद में वो भूल गए। हमने यहाँ सुषमा स्वराज जी को, आपके अटल बिहारी जी को चुन के पहुँचाया, वो हमने ये चाहा कि यहाँ पे घाट बन जाए, यहाँ से वहाँ तक पूरे घाट बन जाए। अच्छा, यहाँ पे अपन वो इलाहाबाद वगैरह जाते हैं स्नान करने, लेकिन इलाहाबाद के लोग बाग यहाँ पे चरण तीर्थ पे आते हैं स्नान करने के लिए। ठीक है दिनेश, बिल्कुल बड़ा इन्होंने बात कही है प्रशांत, जिस तरह जी
बिल्कुल ठीक बात है और आशा जरूर है लोगों की, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से आए हैं और एक्सपेक्टेशन स्वाभाविक भी है और आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में शायद सूरत बदले। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका और अतुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चलिए आप देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। कोरबा में पेट्रोल पंप में खड़ी चार गाड़ियों में लगी आग, दमकल की गाड़ी ने